तुम्हें ना ही बोलना था तो किसी और तरीके से भी बोल सकती थी। मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ? क्योंकि मुझसे अच्छी लड़की कोई नहीं है। हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय ट्यूब चैनल। तो गाइज, फिर भी मैं आपने जिस प्रकार का मूवी क्लिप्स इफेक्ट्स वीडियोटिंग देखा खट्टा सॉन्ग में, तो आप भी कुछ इस प्रकार का इफेक्ट्स वीडियोटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई इस प्रकार का न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस तरह वीडियोटिंग करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन, एक VPN और कैपकट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पास दोनों एप्लीकेशन नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले VPN को कनेक्ट करना होगा। तो मैं टर्बो VPN का यूज कर रहा हूँ, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होने लगेगा और कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो नीचे आपको टैप टू कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से VPN आपके नेटवर्क के साथ ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। यह आपको कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। तो फाइनली मेरा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको बैक चले आना है और कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यह आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। और आपने डिस्क्रिप्शन से दो वीडियो डाउनलोड करना होगा आपको। एक 9 सेकंड का रहेगा, एक 19 सेकंड का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 9 सेकंड का वीडियो को ऐड करना है और बाकी जो भी मैंने मटेरियल यूज किया है सारा लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो का आपको सिलेक्ट करना है, उसके साथ ही में एक फ़ोटो, कोई भी एक अच्छा फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है और क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देना। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से नया पेज ओपन होके आएगा। तो इसे आपको सही से कर लेना है। उसका देख सकते हैं यहाँ पर सॉन्ग नहीं है, तो आपको सॉन्ग ऐड करना है। तो आपको ऐड वीडियो पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे चले जाना है और 19 सेकंड का जो वीडियो है उसके साउंड को आपको इनपुट कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे साउंड ऐड हो गया। उसका ये जो फोटो है इसका लेंथ आपको जितना तक वीडियो उतना तक खींच के कर लेना है। थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। तो आपको इतना कर लेना है। इसके देखो क्या करना है, ये जो फोटो है इसको बीट के अनुसार आपको कट करना है। तो जो फर्स्ट बिट फोटो रहेगा इसको आपको कट करना है, स्प्लिट पे चले जाना है और आपको इसे 2.2 सेकंड रखना है। तो आप देख सक रहे हैं इतना छोटा हो गया। तो मैं 2.2 सेकंड कर लेता हूँ। फिर अगला भी आपको सेम रखना है। तो मैंने इसे भी कर लिया। तो आपको 4 बिट जो रहेगा वो आपको सेम रहेगा, देख सकते हैं। 1, 2, 3 और यहाँ पर मैं चौथा कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ जो एक बिट है तो जूम कर लेना है और इसे 2 सेकंड आप 0.2 रखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो बीच में रख लेना है और उस पर स्प्लिट कर देना है। तो आपको जूम करके देख सकते हैं इसे 0.2 सेकंड मैंने कर दिया। उसके बाद आपको इसे यहाँ तक रखना होगा 0.9 सेकंड। तो हो चुका है मेरा यहाँ पर। फिर इसे यहाँ पर इसको 0.2 में कट कर देना है और बात वाला जितना रहेगा उसे बिट के अनुसार ऐड कर देना है।
इतना हो जाने के बाद आपको जो आपने वीडियो क्लिप डाउनलोड किया था टेलीग्राम से उसे ऐड करना होगा आपको। तो आपको क्या करना है, पर फोटो पे क्लिक कर देना है और आपको इधर सेलेक्ट करते हुए जाएंगे तो ऑप्शन देखने को मिलेगा रिप्लेस का, तो इस पर क्लिक कर देना है। फिर वीडियो पे चले आना है और जो क्लिप डाउनलोड किए थे अगर आपको क्लिप को ऐड कर देना है और यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तब देख सकते हैं क्लिप ऐड हो चुका है। इसको देख सकते हैं दो उंगली की मदद से आपको इसे रोटेट कर देना है 90 डिग्री पे और इसे आपको जूम करके बड़ा कर देना है, उसे अच्छा सा आपको ऐड कर देना है। फिर आपको सेम तरीका से दूसरा फोटो पे क्लिक करना है, फिर से आपको रिप्लेस वाला ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ पर भी आपको दूसरा क्लिप को ऐड कर देना है और फिर इसे भी रोटेट आपको कर देना होगा। तो आपको यही प्रोसेस को सारा जितना फोटो उसमें कर लेना है। तो मैं जल्दी से सारा वीडियो क्लिप को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों मैंने सारा फोटो पे वीडियो क्लिप को ऐड कर दिया। उसके बाद आपको कुछ इसमें एनिमेशन ऐड करना है। तो आपको फर्स्ट वाला वीडियो पे चले जाना है, क्लिक करना है, एनिमेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, कॉम्बो में चले जाना है और यहाँ पर आपको एनिमेशन मिलेगा जूम वन, इस पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से ऐड हो चुका है एनिमेशन। फिर आपको जो दूसरा फोटो है उस पर चले जाना है, फोटो पे क्लिक करना है, वीडियो पे एनिमेशन पे चले जाना है और सेम एनिमेशन इस पर भी जूम वन को। फिर जो तीसरा वीडियो क्लिप है इसमें भी आपको सेम एनिमेशन को, चौथा में भी आपको इसी एनिमेशन को ऐड करना है जूम वन। और यहाँ पर भी आपको जो पांचवा वीडियो क्लिप है इसमें भी आपको जूम वन को ऐड करना है। उसमें जहाँ जहाँ पर 0.2 सेकंड का क्लिप था उस पर क्लिक करना है, उससे दूसरा एनिमेशन ऐड करना है आपको। फिर कॉम्बो में चले जाना है, इधर स्लाइड करते जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पेंडुलम वन, इसको ऐड कर देना है यहाँ पर। फिर जो दूसरा 0.9 सेकंड का एनिमेशन पे चले जाना है और इस पर आपकी बार आपको पेंडुलम टू को ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पेंडुलम वन को ऐड करना होगा और लास्ट वाला पे आपको पेंडुलम टू को ऐड कर देना। तो सारा वीडियो क्लिप पे एनिमेशन ऐड कर देने के बाद आपको ट्रांजेक्शन ऐड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको बीच पे क्लिक करना है और इधर सेट कर जाएंगे तो आपको मिलेगा लाइट इफेक्ट, उस पर क्लिक कर देना है आपको। तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन इफेक्ट खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा ब्लेंड्स, उसको ऐड करना है। तो आपको सही तरीका से इधर स्लाइड करते हुए जाना है तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर दिया, इस पर क्लिक कर देना है और इससे आपको 0.1 सेकंड रखना है यहाँ पर और अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो जितना भी बीच में था सब में ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर एक इफेक्ट ऐड करना है, तो इफेक्ट पे चले जाना है ट्यू इफेक्ट पे। तो इस तरह से लोग टीम लेने लेगा इफेक्ट, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा HDR इफेक्ट, इस पर क्लिक कर देना है और सेलेक्ट कर देना है, इसे खींच के जितना तक वीडियो का लेंथ है पूरा कर देना है। तो मैं पूरा कर लेता हूँ, तो मैंने इसे पूरा कर दिया और हमारा वीडियो बन के हो चुका है तैयार। तो इसे आप सेव करने के लिए ऊपर में डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट कर लेना है, फिर 100% तक होने देना है।
तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इस तरह का और भी आपको इफेक्ट्स वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।